खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में राज विधायक सऊद आलम ने पुल एवं सड़कों का शिलान्यास किया। बता दें कि भोलामाड़ा मुख्य सड़क से काजी टोला भोलामाड़ा तक एक सड़क, तो वहीं REO सड़क से निश्चित पोर तक दूसरा सड़क, मैनागाज से ठीका बस्ती तक तीसरा सड़क सहित प्राथमिक विद्यालय भनकर दुआड़ी सड़क में पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक सऊद आलम ने किया। इस दौरान विधायक के साथ स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। मौके पर विधायक सऊद आलम ने कहा कि क्षेत्र का चौमुखी विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से जो भी शिकायत मिलती है उसे संबंधित विभाग के द्वारा त्वरित निष्पादन करवाते हैं। आज जो है ना, चार जगह शिलान्यास का प्रोग्राम है, तीसरी जगह हम लोग कर रहे हैं। पहला तो हम लोग वहाँ भोलमरा पंचायत में किए, भोलमरा पंचायत में भोलमरा गांव, दूसरा निश्चितपुर वहाँ पर किए, तीसरा ये ठेका बस्ती बारामनी जो है यहाँ पर कर रहे हैं, और चौथा करना है जो मेरा निजी मत से होगा, विधायक मत से, तो वहाँ बनकर द्वारी में पुल का है वहाँ पर उस पुल के पास। ये तकरीबन आज जो कर रहे हैं तकरीबन 4.6 करोड़ के मत से ये सब शिलान्यास किया जा रहा है। काम शुरू हो तो आप लोग अच्छे से देख रेख में काम करें, कोई गड़बड़ी हो कुछ हो तो आप लोग हमको भी फ़ोन कर सकते हैं, है ना, और काम खराब होने नहीं देना, क्योंकि आप लोगों को आना जाना करना है। रोड खराब करेगा तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए बेहतर है कि कोई परेशानी हो तो हमको फ़ोन कीजिएगा। लोगों के बारे में भी भाई, ये यहाँ पर कलवट नहीं होने से तो यहाँ कट गया था, जिसके आने जाने में काफ़ी परेशानी, 4 वार्ड का के लोग यहाँ राशन लेने भी आते हैं, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी थी। आज लोगों ने हमसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भी इसको करवा दिया जाए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका यहाँ पास हो गया है, अब जल्द ही इसका काम शुरू होगा। तकरीबन हाँ 13,85,000 समथिंग की लागत से ये पुल बनेगा यहाँ पर, तो जब ये पुल बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को आने जाने बड़ी आसानी होगी और हर तरह की परेशानी भी खत्म होगी।